डियर स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो में हमने ओवरव्यू लिया था टाइप्स ऑफ ई पेमेंट सिस्टम, जिसमें हमने सुपरफिशियल क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, ई मनी और इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर ईएफटी के बारे में बात की थी, जिसको मैंने ऊपरी तौर पर आप लोगों को समझाया था कि रुपये क्या क्या है। आज हम उनके अंदर थोड़ा सा हमको एक एक पॉइंट्स को डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहला था क्रेडिट कार्ड, जिसको शॉर्ट टर्म क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड आप लोगों ने सुना है, मैंने बताया था जैसे पिछली क्लास के अंदर आपको कि एक तरह का पोस्टपेड कार्ड होता है। आप पहले परचेज करते हैं, पेमेंट करते हैं आपको, लेकिन आपके यहाँ पे पेमेंट कौन करता है उस समय में, जिस बैंक का आपने क्रेडिट कार्ड ले रखा है वो बैंक उसका पेमेंट करती है आपके बिहार पे, और बाद में आप जब आपका बिल आता है आप उस बैंक को वापस से अपना पेमेंट कर देते हो। तो जिस तरह से मोबाइल का पोस्टपेड होता है कि आप या बिजली का बिल जिस तरह से आता है आप यूज पहले करते हैं, बिल आपको बाद में उसका पे करना पड़ता है। तो क्रेडिट कार्ड की ये चीज़ है, आप उसका यूज पहले करते हैं, उसका पेमेंट आपको बाद में करना होता है, ठीक है। इसीलिए इसी तरह होता है क्रेडिट कार्ड। कौन सा कार्ड? जो उधार वाला, जिसमें आपको क्या दिया जाए, उधार। क्रेडिट मतलब क्या हो गया? उधार, जिसमें आपको कुछ उधार दिया जाता है, पैसा लेंड किया जाता है आपको, आपको पैसा दे दिया और बाद में आप उसे क्या करते हो, उसका पेमेंट करते हो, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड होता कैसा है? ये प्लास्टिक का कार्ड होता है जिसके अंदर एक यूनिक नंबर दिया होता है। इसके ऊपर एक अगर आप देखोगे क्रेडिट कार्ड कैसा होता है, एक प्लास्टिक का कार्ड है, आप लोगों ने देखा होगा जिस तरह डेबिट कार्ड होता है उसी तरह से कार्ड होता है, और उसके ऊपर एक यूनिक आईडी या कोड लिखा हुआ होता है, 10-12 डिजिट का जो भी है उस पर एक यूनिक नंबर होता है जिससे उस कार्ड की पहचान होती है, उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। फिर इसके पीछे एक मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है, वो काहे के लिए होती है, टू रीड दी क्रेडिट कार्ड, और रीड मतलब का उसका रीडर, जो भी रीडर जो भी कभी सेल किया जाता है, कभी क्या किया जाता है, कहीं पर शो किया जाता है, वो अपन उसको बाद में डिस्कशन करेंगे रीडर्स के ऊपर। बट जहाँ पे भी आपको रीड करवाना है तो रीड कहाँ से होता है? मैग्नेटिक स्ट्रिप के थ्रू। अब आप पूछेंगे मैग्नेटिक स्ट्रिप क्या चीज़ होती है? अगर आपने कभी डेबिट कार्ड ही देखा हो, क्रेडिट कार्ड अगर आप छोड़ देते हैं, आपने कोई कार्ड देखा हो, जब उसको पलटते हैं इस तरह से कार्ड देखा हो आपने एक बार के उसके अंदर, यहाँ पे जैसे कोई भी नंबर वंबर लिखा हुआ है आपके पास पूरा 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, आपका बैंक का नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, ये कार्ड कौन सा है, वीजा है, मास्टर है, बैंक का नाम सब यहाँ लिखा हुआ होता है। और दूसरी तो साइड ऐसी होती है इसकी, इस तरह से होती है, दूसरी साइड पर क्या होता है, यहाँ पे एक ब्लैक कलर की पट्टी बनी हुई होती है और यहाँ पर और डिटेल होती है। तो ये ब्लैक कलर की पट्टी है यही आपकी क्या कहलाती है, मैग्नेटिक स्ट्रिप। इसको स्ट्रिप, इसी चीज को स्ट्रिप कहा जाता है। और इसके अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक होती है, मैग्नेट होता है जिसके अंदर आपकी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर की हुई होती है बैंक की तरफ से, और उसी रीडर के थ्रू, उसी मैग्नेटिक स्ट्रिप के थ्रू उस कार्ड को रीड किया जाता है। तो ये जो कार्ड रीड किया जाता है मैग्नेटिक स्ट्रिप के थ्रू किया जाता है, ये प्लास्टिक कार्ड है यूनिक नंबर वाला, उसको भी मैग्नेटिक स्ट्रिप के थ्रू किया जाता है। फिर दूसरी आती है कार्ड इश्यूर बैंक पेज, इसको पे कौन करता है, इसके लिए कार्ड इश्यू करने वाला बैंक जिसने आपको कार्ड दिया, ऑन द बिहाफ ऑफ द कस्टमर, किसके बिहाफ पे, कस्टमर के बिहाफ पे। पहले आपको पेमेंट करने की आपकी जेब से कुछ पैसा नहीं जा रहा है, पैसा किसकी जेब से जा रहा है, बैंक की जेब से। तो ये इसकी थोड़ी सी एक और भी दिया था मैंने आपको, ये तीन चीज आपको याद रखती है, एक ऐसा कार्ड है प्लास्टिक का जिसमें यूनिक नंबर है, साथ साथ में एक पीछे मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होती है, वहीं से उसको रीड किया जाता है, और जब पेमेंट होता है तो बैंक उसका पेमेंट करता है ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर, ठीक है। अब आपका इश्यूअर बैंक, एक्वायरर बैंक, ये सब बहुत सारी चीजें उसके अंदर आपको थोड़ा कंफ्यूज कर पाती है, इसलिए हम बात करेंगे इसके अंदर आज कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती है, कौन कौन से एक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व हैं, जो इसके अंदर जिनके नाम जनरली यूज किए जाते हैं, ठीक है। और जब आप एक ट्रांजेक्शन करते हो तो सारे लोग उसके अंदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके साथ जुड़ जाते हैं। तो सबसे पहला कौन हो गया, कार्ड होल्डर। कार्ड होल्डर कौन है, कस्टमर। फॉर एन एग्जाम्पल, ये कार्ड मेरे नाम पे है, दीपक गुप्ता के नाम पे, ठीक है, किसके नाम पे है, मेरे नाम पे है, दीपक गुप्ता के नाम पे। तो मैं कौन हो गया उसका कार्ड होल्डर, क्यों, कार्ड जो होल्ड कौन कर रहा है, मेरे पास है। कार्ड कौन किसके पास रखा हुआ है, मेरे पास रखा हुआ, मैं उसको यूज कर रहा हूँ। फिर दूसरा था मर्चेंट। मर्चेंट कौन हो गया, बिजनेसमैन, बेचने वाला। तो वो अक्सर थी क्रेडिट कार्ड पेमेंट, क्रेडिट कार्ड की बात करें, माल खरीदने बेचने की बात नहीं कर रहे,
तो यहाँ पे ये कौन हो गया, हु मेक्स द पेमेंट या हु पेज कर रहे, सिंपल हु पेज, जो पेज करके कर रहा है वो कस्टमर है, कार्ड होल्डर है, और जो पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। जनरली हु पेज इसलिए नहीं आता कि पेमेंट इसका कौन करता है, पहले बैंक करता है, इसलिए हु पेज नहीं आएगा, कार्ड होल्डर वाला कस्टमर है और जो पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा है वो आपके आएगा मर्चेंट के आएगा, ठीक है, जिसका पेमेंट पहुंच रहा है। फिर आता है कार्ड इश्यूअर बैंक, कार्ड होल्डर का बैंक है जो आपके बिहाफ पे, कस्टमर के बिहाफ पे, इसके बिहाफ पे पेमेंट कर रहा है। और एन एग्जाम्पल मान लो HDFC का कार्ड है मेरे पास, क्रेडिट कार्ड किसका है HDFC, अब जो पेमेंट कर रहा हूँ मेरे जेब से, मेरे अकाउंट में PNB के अंदर, अकाउंट किसके अंदर है मेरा PNB में, तो मेरे PNB अकाउंट में कुछ नहीं जा रहा है, ये कहाँ से जा रहा है, मेरे HDFC का क्रेडिट कार्ड अकाउंट जो है उसमें से पेमेंट किया जा रहा है, उसका पेमेंट मेरे पास कोई पैसा उसमें है नहीं, मुझे उसका पेमेंट बाद में बिल आएगा तब मुझे करना है। तो जो कार्ड होल्डर का बैंक है या उसी ओपन करते हैं कार्ड इश्यूअर है, हु पेज फर्स्ट, जो सबसे पहले पेमेंट करता है उसको ओपन क्या कहेंगे, कार्ड इश्यूअर बैंक। तो HDFC यहाँ पे क्या हो जाएगा, CC वाला ये मेरा बैंक है, तो HDFC मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, कार्ड इश्यूअर बैंक, ठीक है, HDFC जिसने मुझे कार्ड इश्यू किया है। फिर दूसरा एक्वायर बैंक, ये कौन होगा, मर्चेंट का बैंक जो आपसे पेमेंट एक्वायर कर रहा है, मान लो मेरा जो मर्चेंट था, मर्चेंट मान लो अमेजन है, अमेजन का अकाउंट है ICICI में, तो ICICI में क्या हो गया, एक्वायर बैंक हो गया, कौन सा हो गया, एक्वायर बैंक जो आपका पेमेंट मर्चेंट के बिहाफ पे कलेक्ट कर रहा है और उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा है। और लास्ट आता है कार्ड का ब्रांड, कार्ड जनरली जो क्या नाम है, क्रेडिट कार्ड होते हैं वो दो ही प्रकार के कार्ड होते हैं, वीजा कार्ड होगा या फिर मास्टर कार्ड होगा, ये कंपनी कुछ कार्ड्स के ब्रांड होते हैं। जैसे अभी अगर आप डेबिट कार्ड की बात करें तो आप रुपए कार्ड यूज कर रहे हैं, तो रुपए कार्ड भी क्या है, एक तरह का ब्रांड है, ठीक है, तो ये कार्ड का ब्रांड है वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड। तो ये पांच पार्टीज है, जो अभी आप पेमेंट करते हो, आप खरीदने वाले उससे आप आते हो उसके अंदर, आप पेमेंट किस पर्सन को कर रहे हो इसलिए वो इन्वॉल्व होता है, फिर आपका बैंक इन्वॉल्व होगा जिसने आपको कार्ड दिया है, और जिस मर्चेंट का जो बैंक है वो भी इसके इन्वॉल्व होगा कि उसको पेमेंट मिल रहा है, और कार्ड का ब्रांड, क्यों ये सब मैनेज कौन करता है, कार्ड के ब्रांड कंपनी वाले ही वाले साथ में उसको मैनेज करते हैं। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें कि वो फैसिलिटी भी यही लोग दे रहे हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है, इनका ब्लड प्रेशर रहता है बैंक के साथ। तो इस तरह से क्या होता है, आपको पांच पार्टीज होती है जो आपके ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व होती है, और इसके अलावा ये उसकी थोड़ी सी ओवरव्यू है क्रेडिट कार्ड की। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, और उसकी प्रोसेस कैसे होती है, अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, माल खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उसकी प्रोसेस क्या रहेगी, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। थैंक यू।